नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दर्पण और आप देख रहे हैं अबिन 24 न्यूज़। दोस्तों, इस समय नेशनल हाईवे पर खड़े हैं, नेशनल हाईवे पर जहां पर लगातार आपको हम हादसे दिखाते हैं, जिस तरीके से कहीं ना कहीं लापरवाही होती है और कहीं ना कहीं जो है अनदेखी होती है नियमों की। और यहां पर जो आप देख लीजिए, एक टोयोटा कोरोला गाड़ी आप देख पा रहे हैं जो कि बुरे तरीके से क्षतिग्रस्त हो जाती है और जो है किस तरीके से पलटी हुई है इस समय पटरी के ऊपर। और बता दें कि पूरा का पूरा आप देख सकते हैं कि गाड़ी जो है खस्ता हालत में इस समय हुई हुई है और बकायदा जिस तरीके से ये पूरी की पूरी रेलिंग जो है तोड़कर यहाँ पर सामने की ओर से बताया जा रहा है कि ये रात को आ रही थी, जो कि जानकारी अभी हमें मिली है कि ये गाड़ी रात को जो है आती है सामने की ओर से। और यहाँ पर फिलहाल देख सकते हैं कि जो ब्रेक्स हैं वो किस तरीके से लगाई गई हैं। ये देख लीजिए, ये जो ब्रेक्स हैं ये किस तरीके से लगाई गई हैं, काफ़ी तेज़ ब्रेक लगाई हैं। लेकिन यहाँ पर ये बताया जा रहा है, जो अभी तक हमारी बात हुई है, कि शायद किसी एक्टिवा वाले को बचाने के लिए जो है इस गाड़ी वाले ने जो है ब्रेक्स लगाई, जिसके बाद जो है ये यहाँ पर देख लीजिए, ये बकायदा जो ग्रिल्स हैं नेशनल हाईवे के पास में वो फिलहाल किस तरीके से टूट कर जो है वो बिखरी हुई हैं। बकायदा यहाँ पर जो गाड़ी है देख सकते हैं पूरी की पूरी पलट जाती है। अब देख लीजिए, जो करोला गाड़ी है वो पलट जाती है और जिस तरीके से फिलहाल ये हादसा हुआ है, यहाँ पर हमने फिलहाल जो है बता रहे हैं कि जो शायद गाड़ी वाले हैं वो शायद सेफ हैं, लेकिन यहाँ पर जो है फिलहाल कुछ हम कोशिश भी कर रहे थे लोगों से बात करने की, लेकिन यहाँ पर आसपास कोई व्यक्ति नहीं मिला। और बता रहे हैं कि ये हादसा लगभग रात के 2 बजे के आसपास हुआ है। जी हाँ, ये रात के 2 बजे के आसपास ये हादसा हुआ है, जो कि फिलहाल हमारी जो मधुबन थाने के जो ऐसे ही हैं उनसे हमारी बात हुई है और उन्होंने ये बात बताई है कि यहाँ पर जो है ये हादसा लगभग रात के 2 बजे के आसपास होता है, जब सामने से आ रही गाड़ी किसी एक्टिवा वाले को बचाने की वजह से जो है इस तरीके से डिवाइडर के ऊपर आप देख पा रहे हैं जो पटरी है नाले की उसके ऊपर चढ़ जाती है और बकायदा पलट जाती है। और यहाँ पर फिलहाल बताया जा रहा है कि जो एक्टिवा चालक था उसे जो है चोटें जो हैं वो आई हैं एक्टिवा चालक को। और यहाँ पर रात के 2 बजे ये हादसा होता है। हालाँकि पूरी जो डिटेल है वो कहीं ना कहीं जो है वो थाना जो है मधुबन का वहाँ से हम लेने का प्रयास करेंगे। हालांकि इसका नंबर आपको बता दें तो नंबर गुड़गांव का है, लेकिन गाड़ी जो है फिलहाल क्योंकि इसमें से एक एफिडेविट भी मिला था तो गाड़ी के जो ऑनर है वो करनाल का ही रहने वाला है। नंबर है HR26AA1800 नंबर है गाड़ी का। और बता दें कि करनाल की ही ये गाड़ी है। बकायदा यहाँ पर कुछ आधार और काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स भी यहाँ पर मिले हुए थे। तो लोगों से हम ये अपील करेंगे कि आपको ये लगातार इस तरीके के जो हादसे हैं वो दिखाने का सिर्फ एक ही मकसद होता है कि ये सारे हादसे कहीं ना कहीं अनदेखी की वजह से होते हैं या तेज़ रफ्तार की वजह से होते हैं। और ऐसे में आप देख पा रहे हैं कि गाड़ी जो है फिलहाल रात की ही यहाँ पड़ी हुई है, लेकिन फिलहाल अभी तक इसे उठाया नहीं गया है। थोड़ा सा सवाल यहाँ पर ये भी आता है कि इसे अभी तक रात के 2 बजे से लेकर अभी तक इसे यहाँ से उठाया क्यों नहीं गया है, क्योंकि नेशनल हाईवे के ऊपर आप समझ सकते हैं कि हालांकि आवाजाही में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस तरीके से भी जो सर्विस लेन का जो रास्ता है आप देख पा रहे हैं, सर्विस लेन का रास्ता जो है आप देख पा रहे हैं लगभग इस यहाँ तक जो है रुका हुआ है। सर्विस लेन का रास्ता यहाँ तक रुका हुआ है। तो ऐसे में फिलहाल ये ज़रूर है कि कोई और हादसा ना हो तो इसे भी फिलहाल मौके से हटाना जो है वो ज़रूर चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो है आमजन लोग आ तो रहे हैं, लेकिन उनसे जानकारी लेने की हम कोशिश ज़रूर कर रहे हैं कि आखिर ये हादसा हुआ कैसे। तो ऐसे में लोगों को कोई जानकारी नहीं। आप देख लीजिए, आसपास कोई दुकान नहीं है, बिल्कुल सुनसान रास्ता है जहाँ पर यह हादसा हुआ था। और बता रहे हैं मौके पर डायल 112 की टीम भी पहुँची हुई थी और फिर जो लोग थे उन्हें फिलहाल निकाला गया। अब इसमें एक थे, दो लोग थे, ये फिलहाल इसकी कोई जानकारी जो है वो नहीं है। यहाँ पर जो है फिलहाल आप देख पा रहे हैं कि तस्वीरों में कि ये नेशनल हाईवे का बिल्कुल नज़दीक ही मधुबन पड़ता है यहाँ से, और वहीं पर जो है ये हादसा हुआ है। हालांकि जो है सीधा हम थाने जो है जाकर ये जानकारी लेने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये हादसा हुआ कैसे और किस तरीके से जो है फिलहाल अभी जो एक्टिवा चालक है उसे कितनी चोट आई थी। और एक्टिवा भी बता रहे हैं वो थाने के अंदर इस समय खड़ी हुई है। तो यहाँ पर सीधा चलकर जो है बात करने का प्रयास करते हैं। तो आपको बता दें कि इस समय मधुबन थाने से जो ऐसा ही है श्री भगवान जी, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सर, जानकारी मिली थी आप आए हैं मौके के ऊपर, गाड़ी यहाँ पर है। जानकारी मिली थी रात को भाई, एक गाड़ी का और एक एक्टिवा का एक्सीडेंट हो गया। जी, यहाँ गाड़ी 112 नंबर आई थी, लेकिन यहाँ कोई रात को बंदा नहीं मिला था, लेकिन पता चला भाई किसी को इतनी ज़्यादा चोट नहीं है। गाड़ी वाला भी अपनी गाड़ी लेना रहा,
भाई गाड़ी लेने जा रहे हैं, हम गाड़ी लेके जा रहे हैं, लेकिन हमने इसको रोक दिया। अभी पहले हमारे पास लिखित में कंप्लेंट करें या अपना बयान अंकित कराएं, भैया ऐसे ऐसे एक्सीडेंट हुआ था, ऐसे हादसा हुआ था, हमको कार्रवाई करवाना चाहते हैं या नहीं करवाना चाहते हैं। जी ये कहते हैं कि जी हमारे आपस की बात है, रिश्तेदार हो भी, हमको कार्रवाई नहीं करवाना चाहते। कोई एक्टिवा वाला भी, उसे भी चोट आई थी? कोई एक्टिवा वाला हमारे पास अभी तक आया नहीं है। हॉस्पिटल में हमने पता करें, हमारे पास कोई रिटर्न में इन्फॉर्मेशन नहीं आई। और मैं अरपणा हॉस्पिटल से अभी अभी आया हूँ, वहाँ पता करें, वहाँ कोई भी एडमिट नहीं है, ना कोई किसी ने वहाँ पर्ची कटवाई, ना किसी ने वहाँ कोई ट्रीटमेंट, किसी को चोट वगैरह नहीं, किसी को कोई फर्स्ट एड की हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, भाई कहाँ कितनी किसका चोट है। जी। लेकिन गाड़ी वाला कह रहा है कि मैं अपनी गाड़ी ले जाऊँगा, अगर ये गाड़ी ले जाना चाहते हैं रिटर्न में इनसे ले लेंगे, इनको पाबंद करेंगे, अगर कोई भी हमारे पास रिटर्न में कोई कंप्लेंट आओगी जैसी भी होगी कार्रवाई करेंगे यार, इसको गाड़ी को फिर वापस कब्जे में ले लेंगे। तो यहाँ पर जो है फिलहाल बता दें, इस गाड़ी को अभी यहाँ से क्रेन के ज़रिए जो है हटा दिया जाएगा। हालांकि नेशनल हाईवे का रास्ता तो साफ़ है, हालांकि सर्विस लेन का रास्ता कुछ रुका हुआ था, लेकिन अभी फ़िलहाल ये ज़रूर है कि जो पुलिस है अपनी तरफ से आगे की कार्रवाई जो है लिखत पढ़त जो है वो करके पूरा रिकॉर्ड जो है अपने पास रखेगी। और यहाँ पर ये भी बता रहे हैं कि जो गाड़ी के अंदर मौजूद थे दो लोग जो है बता रहे हैं मौजूद थे, और इसके अलावा बता रहे हैं कि जो एक्टिवा चालक है वो भी बता रहे हैं कि उसे कोई ज़्यादा चोटें जो हैं वो फिलहाल नहीं आई। आपसे अपील, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर जरूर करें, फिर जुड़ेंगे अभी 24 के ऊपर, तब तक के लिए जय हिंद। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुँचे आप तक।